स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। किस सरकार ने युवाओं को धूम्रपान शुरू करने से रोकने के लिए अप्रैल 2024 में एक ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा? ए ऑस्ट्रेलियाई सरकार, बी न्यूजीलैंड सरकार, सी ब्रिटिश सरकार, डी कनाडाई सरकार। आंसर सी ब्रिटिश सरकार। एक्सप्लेनेशन, ब्रिटिश सरकार ने युवाओं को धूम्रपान शुरू करने से रोकने के लिए एक ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा। इस विधेयक का उद्देश्य 1 जनवरी 2009 के बाद जन्मे व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना अवैध बनाना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड EGMO 2024 में रजत पदक जीता? ए गुंजन अग्रवाल और संजना फिलोचाको, बी सई पाटिल और संजना फिलोचाको, सी लारिसा और संजना फिलोचाको, डी गुंजन अग्रवाल और साई पाटिल। आंसर ए गुंजन अग्रवाल और संजना फिलोचाको। एक्सप्लेनेशन, भारतीय टीम ने 11 से 17 अप्रैल 2024 तक जॉर्जिया के स्काल्टुबो में आयोजित 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड EGMO 2024 में 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए हैं। गुड़गांव की गुंजन अग्रवाल और तिरुवनंतपुरम की संजना फिलोचाको ने रजत पदक जीते, जबकि हिसार की लारिसा और पुणे की साई पाटिल ने कांस्य पदक जीते। सभी 4 प्रतियोगियों ने EGMO में पदक हासिल किए। अगला प्रश्न, अयोध्या में श्रीराम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई? ए IIT दिल्ली, बी IIT मद्रास, सी IIT वाराणसी, डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। आंसर डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। एक्सप्लेनेशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIS ने अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अयोध्या में सूर्य तिलक कार्यक्रम में प्रयोग हुए ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम को CBRI ने और डिवाइस का निर्माण ऑप्टिक्स बैंगलोर ने किया। अगला प्रश्न, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? ए दुबई, बी नई दिल्ली, सी अबू धाबी, डी ढाका। आंसर सी अबू धाबी। एक्सप्लेनेशन, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन खाड़ी शहर अबू धाबी में किया जा रहा है। इसका आयोजन वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा करने के लिए किया जा रहा है। अगला प्रश्न, विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 16 अप्रैल, बी 17 अप्रैल, सी 18 अप्रैल, डी 19 अप्रैल। आंसर सी 18 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन, सांस्कृतिक विरासत के सम्मान और सुरक्षा करने के लिए हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद ICOMOS ने 1982 में इस दिवस की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिकी वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने साल 1983 में इस दिवस को मंजूरी दी थी। इस वर्ष विश्व विरासत दिवस का थीम विविधता की खोज करें और अनुभव करें, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी है।